हेलो फ्रेंड्स, मैं संजय और आप सबका इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। और आज हम लोग देखेंगे कंप्यूटर की जो सीरीज चल पड़ी है 2500 इम्पोर्टेंट यानी महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की जो सीरीज है, जो आए हुए पेपरों में, जो बार बार आए हुए हैं सभी प्रकार के पेपरों में, उसकी सीरीज चालू है, जिसमें हम लोग आज देखेंगे चैप्टर 3 है जो कि कंप्यूटर का प्रकार। आप देख पा रहे हैं कंप्यूटर के प्रकार पर आज तीसरा चैप्टर है, लेक्चर भी आज तीसरा है, लेकिन इस टॉपिक पर क्वेश्चन ज़्यादा है इसलिए हम इसको दो पार्ट में पढ़ेंगे। आज कुछ 15 से 20 क्वेश्चन और कल हम लोग करेंगे 15 से 20 क्वेश्चन, जिसके दो पार्ट हो जाएंगे, ठीक है। यानी लगभग जो सीरीज चालू है लगभग 2500 क्वेश्चनों की है और इसमें हम लोग देखेंगे आगे, लेकिन टॉपिक कितने हैं, टोटल 34 टॉपिक हैं, जिसमें किसी में 80 क्वेश्चन है, किसी में 10 है, किसी में 20 है, किसी में 100 है, किसी में 150 क्वेश्चन है। यानी अलग अलग सब में है ये सीरीज, जिसमें हम लोग देखेंगे आज कंप्यूटर के प्रकार पर। तो आइए देखते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये पटवारी के लिए, केवीएस के लिए, केवीएस में भी आपका कंप्यूटर आ रहा, पटवारी में भी आ रहा और विभिन्न क्षेत्रों में आ रहे हैं, तो सबके लिए यूजफुल है और आज हम लोग देखेंगे। सब आए हुए क्वेश्चन है, कोई बिना आए हुए क्वेश्चन नहीं है। तो कंप्यूटर के प्रकार पे देखते हैं, इसमें आपका पहला क्वेश्चन जो है, इसमें इस भारत के सुपर कंप्यूटर का नाम क्या है, भारत के सुपर कंप्यूटर का नाम क्या है, ये जो कि मैंने थंबनेल में भी क्वेश्चन दे रखा है और इसमें आंसर आपको यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। हम लोग पढ़ेंगे और पढ़ाएंगे यानी सीखेंगे। देखिए यहाँ पे भारत के सुपर कंप्यूटर का नाम क्या है, ये देखिए समग्र सामाजिक सुरक्षा विस्तार अधिकारी में आया हुआ है 2017 में, सभी सन वाले रहेंगे। परम नाम है या फिर कह सकते हो IBM नाम है या विप्रो या HCL, मैंने इसको ऑप्शन में दिया है, ठीक है। इसका जवाब हम लोग देख लेते हैं, वैसे इसका जवाब ए होगा बट हम लोग इसका आंसर देख लेते हैं, ठीक है। ये देखिए भारत के सुपर कंप्यूटर का नाम परम है। देखिए यहाँ पे एक्सप्लेनेशन भी है, सबसे पहली बात इस बुक को मैंने क्वेश्चन चूज क्यों इसको लिया है, इससे क्यों मैं करा रहा हूँ, क्योंकि इसके आंसर के साथ साथ इसमें एक्सप्लेनेशन जो दिया है, इससे कई सारे हमारे ऑब्जेक्टिव और बन जाते हैं, ठीक है, इसलिए फेवरेट बुक है। देखिए भारत के सुपर कंप्यूटर का नाम परम है, जिसे डैक यानी किसी डैक पूरे द्वारा निर्मित किया गया था, ठीक है। ये सीडैक कंपनी थी जिसके द्वारा ये निर्मित किया गया था। देखिए इसमें ये भी मिल गया। अगला चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। बहुत छोटे पोर्टेबल कंप्यूटर जो कि हमारे हाथों में फिट होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, जो हाथ में फिट हो जाते हैं उनको क्या कहा जाता है, पोर्टेबल यानी हाथ पे रखकर जो चलाए जाते हैं, ठीक है। इसका आंसर भी हम लोग देख लेते हैं, वैसे पॉम टॉप, डेस्कटॉप, लैपटॉप, और यहाँ पे लैपटॉप दो बार लिखा हुआ है, डेस्कटॉप, पॉम टॉप, इस सभी के बारे में हम लोग देखते हैं यहाँ पे एक्सप्लेनेशन में। देखिए एक व्यक्तिगत डिजिटल सहायक जिसे हैंड हेल्ड PC भी कहा जाता है, या एक बैटरी संचालित कंप्यूटर है जो एकीकृत कीबोर्ड और डिस्प्ले के साथ संगत है, यानी ए नंबर आपका जो आता है, ए नंबर पे आपका दिया गया था पॉम टॉप। पॉम टॉप जो कि हथेली, पॉम में नहीं होता है हथेली, जो कि हथेली पे रखकर चलाया जाता है, ठीक है, जिसमें बैटरी लगी होती है, डिस्प्ले और कीबोर्ड उसी में साथ साथ रहता है, कि पॉम यानी हथेली और टॉप यानी हथेली के ऊपर रखकर चलाया जाने वाला। लैप यानी होता है गोदी और उसी पे ऊपर चलाया जाता है, वो लैपटॉप हो गया, ठीक है। डेस्कटॉप यानी डेस्क यानी टेबल पे रखकर जो चलाया जाता है वो डेस्कटॉप हो गया। सभी का अपना स्मार्टफोन यानी कि हाथ में बिल्कुल पकड़कर जेबा में कहीं भी रखा जा सकता है, वो स्मार्टफोन हो, क्योंकि सभी के स्मार्ट है, सभी से स्मार्ट है, वो कहीं भी आ जा सकता है, ठीक है। तो सभी का क्रम वाइज किया गया है जिसे हम लोग समझते रहेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग, ठीक है। ये देखिए तीसरा क्वेश्चन, बड़े व्यापारिक संस्थानों में वित्तीय अंतरणों क्रियान्वयन और औद्योगिक संस्थानों की योजना के निर्माण जैसे महत्वपूर्ण कार्यों के लिए प्रयुक्त केंद्रीय कंप्यूटर होते हैं, ये कौन होते हैं। सबसे पहले आपको ध्यान रखना, व्यापारिक संस्थान, औद्योगिक संस्थानों, निर्माण में एकीकृत केंद्रीय कंप्यूटर कौन होते हैं, ठीक है। विशिष्ट उद्देश्य वाले कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर, हाइब्रिड कंप्यूटर कौन से होते हैं इसमें से, ठीक है। वैसे इसमें मैं आपको बता दूं, मेन फ्रेम होता है, बट हम लोग एक्सप्लेनेशन के साथ देखेंगे वो बेहतरीन होता है, ठीक है। देखिए बी नंबर है मेन फ्रेम कंप्यूटर, महत्वपूर्ण अनुप्रयोगों के लिए बड़े संगठनों का द्वारा उपयोग किए जाने वाले कंप्यूटर, जनगणना, उद्योग और लेन देन प्रसंस्करण जैसे थोक डेटा प्रोसेसिंग है। मूल रूप से मुख्य फ्रेम नामक बड़ी अलमारियां को संदर्भित किया जाता है, जो मेन फ्रेम में जो होता है बड़ी बड़ी अलमारी बनी होती हैं उसमें, तो उसको कहा जाता है, जो केंद्रीय प्रोसेसिंग यूनिट और शुरुआती कंप्यूटरों की मुख्य मेमोरी रखता है, क्या CPU यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जो होता है, मेमोरी स्टोरेज क्षमता रखता है, उसको हम क्या कहते हैं, अलमारी के जैसा फ्रेम होता है उसी को हम, इसीलिए इसको मेन फ्रेम कहते हैं, और ये होता है कंप्यूटर का, ठीक है। तो आप
आपने देखा मेन फ्रेम फ्रेम वाला होता है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आगे देखते हैं हम लोग चौथा नंबर, विशिष्ट रूप से डिजाइन किए गए, विशिष्ट रूप से डिजाइन किए गए, ठीक है। कंप्यूटर है जो जटिल गणनाओं को अत्यंत तेजी के साथ करते हैं, उनको क्या कहा जाता है, यानी कि जो जटिल कार्यों को भी बहुत तेजी से फास्ट तरीके से करते हैं। तो चलिए, इसमें सर्वर ऑप्शन है पहला, सुपर कंप्यूटर है, लैपटॉप, मेन फ्रेम, ये चार हैं। और हम लोग एक्सप्लेनेशन के साथ देखते हैं तो इसमें बी नंबर निकल कर आता है, विशिष्ट रूप से डिजाइन किए गए कंप्यूटर जो जटिल गणनाओं को अत्यंत तेज गति से करता है, सुपर कंप्यूटर को परम कंप्यूटर कहा जाता है, यह तेज गति से गणना करने वाला कंप्यूटर। इस प्रकार आपका हो गया सुपर कंप्यूटर। ये देखिए, सुपर कंप्यूटर को ही परम कंप्यूटर भी कहा जाता है, ठीक है, समझ गए होंगे आप। चलिए हम लोग पाँचवा नंबर देखते हैं, डंब टर्मिनल में यह होता है। डंब टर्मिनल में क्या होता है भाई, हम लोग देख लेते हैं। डंब टर्मिनल में क्या होता है, एक अंत स्थापित माइक्रो प्रोसेसर, एक्सटेंसिव मेमोरी, इंडिपेंडेंट प्रोसेसिंग कैपेबिलिटी, कीबोर्ड और एक स्क्रीन। यानी क्या होता है, इसमें हम लोग देख लेते हैं। डंब टर्मिनल जैसा नाम में है तो डंब टर्मिनल में कीबोर्ड और एक स्क्रीन होता है, कीबोर्ड और एक स्क्रीन होता है। ये देखिए, कीबोर्ड और स्क्रीन, यहाँ पे आपका कीबोर्ड और एक स्क्रीन, डी नंबर आपका सही होता है। यानी कि इसमें मदरबोर्ड नहीं होता है, सीपीयू यह डायरेक्ट चलता है, यह डायरेक्ट लैपटॉप जो होता है, ठीक है। सीपीयू इसमें मदरबोर्ड नहीं होता, सीपीयू जैसे यह डायरेक्ट चलता है, डायरेक्ट चलता है, इसमें सीपीयू होता नहीं। लैपटॉप जो अपने पास है ये रखा हुआ है सामने, जिसमें हम काम करते हैं, पीपीटी बनाते हैं आप लोगों के लिए, ठीक है, बिल्कुल। आगे चलते हैं हम लोग, देख लेते हैं इसमें। अच्छा, अगला कंप्यूटर है, यह अगला क्वेश्चन है, सिक्स नंबर, कंप्यूटर की सर्वाधिक तेज, सर्वाधिक शक्तिशाली तथा सर्वाधिक मूल्यवान श्रेणी कहलाती है क्या, सुपर कंप्यूटर, पर्सनल कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर, डेस्कटॉप कंप्यूटर। डेस्कटॉप वगैरह तो नॉर्मल है, पर्सनल, मेन फ्रेम, सुपर। अब आपका इसी में से कोई एक होता है, जिसमें से हम लोग देखते हैं, ए नंबर, सुपर कंप्यूटर सबसे बड़ा कंप्यूटर, महंगा होता है, उन संगणकों को कहा जाता है जो वर्तमान समय में गणना शक्ति तथा कुछ अन्य मामलों में सबसे आगे होते हैं, इनमें कई प्रोसेसर एक साथ काम करते हैं। भारत का सुपर कंप्यूटर परम है। भारत का सुपर कंप्यूटर कौन है, परम, ये जो कि क्वेश्चन भी आपका है, ठीक है, बिल्कुल। आगे हम लोग देखते हैं, सातवां नंबर है, ठीक है, एक माइक्रो कंप्यूटर में कम से कम एक इनपुट यूनिट, एक माइक्रो कंप्यूटर जो छोटा कंप्यूटर होता है उसमें कम से कम एक इनपुट यूनिट, एक आउटपुट यूनिट, एक माइक्रो प्रोसेसर यूनिट तथा एक शामिल होता है मेमोरी यूनिट, प्रिंटर, नेटवर्क, स्टेबलाइजर। नहीं, सब चीज़ें तो नॉर्मल है, नेटवर्क अलग से लगाना पड़ता है, प्रिंटर, स्टेबलाइजर, मेमोरी यूनिट उसके साथ साथ होना चाहिए जहाँ तक है, ठीक है। तो बिल्कुल यहाँ पे देखें, मेमोरी यूनिट, माइक्रो प्रोसेसर एक ऐसी डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक युक्ति है जिसमें लाखों ट्रांजिस्टरों को एकीकृत परिपथ के रूप में प्रयोग कर तैयार किया जाता है। माइक्रो कंप्यूटर में मेमोरी यूनिट होती है, वो देखिए। इसके साथ साथ में क्या है दिया है कि एक इनपुट यूनिट और एक आउटपुट यूनिट, एक माइक्रो प्रोसेसर यूनिट, एक मेमोरी यूनिट होना चाहिए, ये कंपलसरी है इसमें होने के लिए, ठीक है, बिल्कुल। आगे चलते हैं हम लोग, देखते हैं आठवां नंबर, पर्सनल कंप्यूटर का जनक कौन है, पर्सनल कंप्यूटर, पीसी का पर्सनल कंप्यूटर का जनक कौन है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो इसमें है अगस्ता एडमिंग, एडवर्ड रॉबर्ट, चार्ल्स बेबेज, एलन ट्यूरिंग। ट्यूरिंग ये अलग अलग सभी के होते हैं, जिसमें हम लोग देखते हैं बी नंबर एडवर्ड रॉबर्ट है पर्सनल कंप्यूटर के जनक, ही पिछले भी मिल चुका है ये, एडवर्ड रॉबर्ट पर्सनल कंप्यूटर के जनक हैं, ठीक है, कौन है, एडवर्ड रॉबर्ट। डेस्कटॉप कंप्यूटर निम्न नाम से भी जाना जाता है, डेस्कटॉप जो कंप्यूटर होता है जो आप लोग देखते हैं कैफे में जाते होंगे तो वहाँ पे देखते होंगे कि टेबलों पे रखे होते हैं, ठीक है, जो असेंबल वाले होते हैं, जोड़कर बनाए जाते हैं, एक टीवी जैसा नुमा होता है, वो सभी बने होते हैं। तो इसमें से क्या कहा है कि डेस्कटॉप कंप्यूटर निम्न से भी जाना जाता है, पायलट पर्सनल कंप्यूटर पीसी, या फिर लैपटॉप, या फिर मेन फ्रेम डेस्कटॉप कंप्यूटर। अब इसको पीसी भी कहा, भाई देखिए पॉम पायलट तो अलग है, लैपटॉप, मेन फ्रेम सभी अलग है, जिसमें हम लोग देखते हैं डेस्कटॉप कंप्यूटर को पर्सनल कंप्यूटर भी कहा जाता है, यह व्यक्ति के पर्सनल कार, ऑफिशियल कार के लिए यूज होता है, बी नंबर। ये देखिए, पर्सनल कंप्यूटर पीसी जो होता है हमारा, वही हमारा डेस्कटॉप कंप्यूटर भी कहलाता है, पर्सनल कार के लिए यूज होता है, ठीक है, डेस्कटॉप कंप्यूटर निम्न से जाना जाता है, ठीक है। आगे चलते हैं हम लोग टेंथ नंबर क्वेश्चन में, इनैक के पहले कंप्यूटर में क्या विशेषता थी, जो इनैक का पहला कंप्यूटर था उसमें क्या विशेषता थी, ये हम लोग देखेंगे। इसमें इसमें वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग होता था, वैक्यूम ट्यूब आप लोग देखते हैं टीवी वगैरह देखें, जो पुरानी जमाने की टीवी होती थी, तो पीछे साइड एक ट्यूब लगा होता है जो कि जिससे कि स्क्रीन पे स्क्रीन वो जाता था, जैसे प्रोजेक्टर की विंडो जाती, स्क्रीन जाती, वैसे उसमें भी लाइट जाती थी, ठीक है। तो इसमें वैक्यूम ट्यूब होता था, इसमें प्रोग्राम स्टोर होता था, इनमें पेपर टेप प्रयोग होता था, या उपयुक्त सभी। तो
तो हम लोग देख लेते हैं इनायक इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर अथवा कैलकुलेटर कह सकते हैं। इनमें वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किया गया था। यह फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर था, फर्स्ट जिसमें वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किया गया था। किसमें वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग, ये पहला नंबर इसमें से सही है। ठीक है, बिल्कुल। आगे देखते हैं हम लोग 11 नंबर देखते हैं। 11 नंबर में क्या है, अनुपम है। अनुपम क्या है, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, एक एप्लीकेशन, एक सुपर कंप्यूटर, एक अनुसंधान संगठन। देखिए जैसे इसमें आंसर डाला हुआ है, बट कोई बात नहीं, हम लोग एक्सप्लेनेशन देखेंगे इसका। एक सुपर कंप्यूटर है, तो देखिए अनुपम एक सुपर कंप्यूटर है। इसे भाभा ऑटोमेटिक रिसर्च सेंटर बार्क द्वारा बनाया गया था। ये आपको एक नया मिल गया, भाभा ऑटोमेटिक। ठीक है, इसको आपको ध्यान रखना था, भाभा ऑटोमेटिक में आपको ये बनाया गया था इसमें। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं हम लोग। अगला क्या है, देखिए 12 नंबर क्या है, UNIVAC का पूर्ण रूप क्या है, यूनिक ऑटोमेटिक कंप्यूटर, यूनिवर्सल एरे कंप्यूटर, यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर या यूनिक ऑटोमेटिक कंप्यूटर। तो इसका वैसे आंसर तो आपका सी नंबर है, यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। बट हम लोग देख लेते हैं इसमें, हाँ यूनिवैक का पूर्ण रूप यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर होता है, बिल्कुल सही है। हम लोग 30 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। तो ये क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा ई कॉमर्स का प्रकार, ई कॉमर्स आभासी व्यापार, विज्ञापन, व्यापार, भंडारण। देखिए विज्ञापन क्या है, ई कॉमर्स में आता है, व्यापार भी आता है, आभासी व्यापार ये व्यापार ही है, भंडारण नहीं आता, स्टोरेज किसी प्रकार का ई कॉमर्स नहीं है। ठीक है, तो भंडारण हम लोग अलग कर लेंगे इसमें, देख लेते हैं। भंडारण ई कॉमर्स का प्रकार नहीं है। ठीक है, वेयर हाउसिंग भंडारण, यानी कि उस व्यापारिक भवन को कहते हैं जिसमें सामान का भंडारण किया जाता है, बिल्कुल। अगला है 4th नंबर, डिजिटल कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं। डिजिटल कंप्यूटर पूछ रहा है यहाँ पे, तो कई प्रकार के होते हैं इसमें, लेकिन इसमें फिक्स जैसे बताया गया। देखिए डिजिटल कंप्यूटर वे कंप्यूटर जो अंकों पर कार्य करते हैं, इन्हें इनपुट अंक के रूप में ही हो सकता है। यह कंप्यूटर दो अंकों 0-1 जिसे बाइनरी नंबर सिस्टम कहते हैं, दो होते हैं, के आधार पर कार्य करता। इन कंप्यूटर का प्रयोग व्यापार, बैंकिंग, शिक्षा, मनोरंजन इत्यादि में किया जाता है। तो यानी कि दो प्रकार के होते हैं, कितने 0-1 पर काम करते हैं जो कि, ठीक है, इनपुट कार्य पर करते हैं। ये देखो डिजिटल कंप्यूटर वे कंप्यूटर जो अंकों पर कार्य करते हैं, इनके इनपुट अंक के रूप में ही हो सकता है, 0-1 के रूप में। ठीक है, 15 नंबर देखते हैं हम लोग, निरंतर आंकड़ों पर काम करने वाला कंप्यूटर क्या कहलाता है। निरंतर आंकड़ों पर काम करने वाला, डिजिटल कंप्यूटर, हाइब्रिड कंप्यूटर, एनालॉग कंप्यूटर, डेल कंप्यूटर। तो देख लेते हैं हम लोग सी नंबर, यानी कि एनालॉग कंप्यूटर है। तो एनालॉग कंप्यूटर एक ऐसा एनालॉग विद्युत परिपथ होता है जो कि अनेक समस्याओं का समाधान, एनालॉग यानी कि जैसे पहले घड़ी आती थी लुक 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 जलती थी ना, वही एनालॉग ही है। ठीक है, बिल्कुल एनालॉग, जैसे सिग्नल आप देखते हो रास्ते की जंक्शन पे, यानी कि मोड़ पर देखते हो, चौराहों पे देखते हो, जो लगा होता है रेड लाइट, वहाँ पे जो लिखा होता है टाइम, वो एनालॉग ही है, उस तरह का दिखा रहा है। ठीक है, तो एक एनालॉग कंप्यूटर एक ऐसा एनालॉग विद्युत परिपथ होता है जो अनेक समस्याओं का समाधान करता है। यह कंप्यूटर अंकों पर कार्य न करते हुए भौतिक रूप से उपलब्ध डाटा पर सीधे कार्य करते हैं। ठीक है, भौतिक मानाएँ जैसे तापमान, दाब, गति, प्रतिरोध आदि का मापन करते हैं, ना कि गणना करते हैं। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक सभी को जय हिंद।